आप देख रहे हैं दखल न्यूज। वित्त मंत्री अरुण जेटली को कैंसर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू। अदालत का फरमान, फिर खुलेंगे डांस बार, नोट उड़ाने पर लगी पाबंदी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दावा, मोदी प्रधानमंत्री बने तो एमपी में सरकार 7 दिन में गिर जाएगी। यूपी ने बांध से छोड़ा पानी, एमपी में खेत बने तालाब, फसलें हुई बर्बाद। और जयवर्धन सिंह ने व्यापारियों को दिलाया भरोसा, बीआरटीएस की समस्या होगी दूर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को कैंसर हो गया है। सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा एक दुर्लभ किस्म का कैंसर है। वे इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू होने के कारण बुधवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। शाह ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है। वित्त मंत्रालय में अंतरिम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। यह मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है। सूत्रों के मुताबिक जेटली संभवतः 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश नहीं कर पाए। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू होने के कारण बुधवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। शाह ने यह जानकारी ट्वीट कर दी। 66 साल के जेटली का पिछले साल 14 मई को एम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था। रविवार को उनके अमेरिका रवाना होते वक्त माना गया था कि वह गुर्दे की बीमारी से जुड़ी जांच के लिए गए हैं। उनकी वापसी की तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मुंबई के डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के कड़े नियमों को हटा दिया है, जिसके बाद राज्य में डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ शर्तों के साथ डांस बार लाइसेंस जारी करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डांस बार में अश्लीलता नहीं फैलाई जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डांस बार के लिए तय 5.5 घंटे के समय को मंजूरी दी है। इसके बाद डांस बार रात 11:30 बजे के बाद तक नहीं खोल पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि डांस बार में लोग पैसे नहीं उड़ा पाएंगे। हालांकि डांसर्स को अलग से टिप दी जा सकती है। इसके अलावा बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश को भी हटा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में डांस बार्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार ने 2005 से ही कोई लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के इन नियमों को भी खारिज किया है, जिसमें डांसर्स के लिए अलग स्टेज बनाने की बात कही गई थी। वहीं यह शर्त भी खारिज कर दी गई है कि डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से कम 1 किलोमीटर की दूर होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम को बनाए रखा है कि बार में काम करने वाली महिलाओं का कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो सके। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि इस बार फिर अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भरभराकर गिर जाएगी। भार्गव दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार दमोह पहुंचे गोपाल भार्गव का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दावा किया कि अगर इस बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 7 दिन के भीतर ही सूबे में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के लिए गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया। गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चुनाव जीत पाती। कुछ नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ काम किया। सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी उमंग और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार अपने ही बोझ से भर भरा के 1 सप्ताह के अंदर गिर जाएगी प्रदेश की। दमोह में गोपाल भार्गव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट रहने की अपील की।
ताकि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि वो देश में कांग्रेस सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे और गरीब जनता के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी भाजपा कार्यकर्ता पर उंगली उठाई तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नौगांव के आसपास खेतों में पानी भरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। डैम में बिना बताए पानी छोड़ने के कारण ये हालात बने हैं। किसानों का कहना है अगर उन्हें जल्द मुआवजा नहीं मिला तो उन्हें खुदकशी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने छतरपुर के नौगांव तहसील के लहचुरा डैम में बिना सूचना दिए पानी छोड़ दिया, जिस कारण कई किसानों की फसल पानी में डूबकर सड़ गई। बिना सूचना के यह पानी छोड़ा गया, जिस कारण किसानों के खेत पानी से भर गए। अचानक पानी छोड़ने से लहचुरा बांध का जलस्तर लगभग 15 फीट बढ़ गया और नालों का पानी उफान पर पहुंच गया। चपरन गांव के करीब 150 किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सब हो गया कि पहले की फसल थी वो भी नष्ट हो चुकी, उसका भी कुछ नहीं राहत मिली हम लोगों का। ये फसल है कहा के चलो बच्चे इसमें पाल लें, भाई लोगों ने डैम खोल दिया, ये भी नदी बह चुकी, पूरी फसल नष्ट हो चुकी। कहाँ जाए हम लोग, बच्चे किस प्रकार से पालें। बरसात वाली फसल में वर्दा मूंग मूंगफली तिली ज्वार वगैरह पूरी सड़ के गल गई। इतना पानी भर दिया था कि इससे दुगना पानी भरा था। इस रबी की फसल में भी इतना नुकसान है कि चने मटर गेहूं सब सड़ गए। अब हम लोग छोटा सा गाँव है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, पूरी डूब चुकी है, क्या खाएं सब लोग। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, छतरपुर भी गए थे हम लोग पिछली बार की फसल लेके, तो कलेक्टर साहब बोले हमें आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अभी तक उनने कोई सुनवाई नहीं की है। न तहसीलदार भी कल आए हुए थे, सहरसे तक आए हैं, वो चले गए वापस, कुछ भी सुनवाई नहीं करता। यहाँ कोई नहीं आता है क्योंकि सड़क भी नहीं है अच्छी, तो आ नहीं पाते हैं, गाड़ी आती है वो दूर से भाग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ की। अगर हम लोग ऐसे भूखन मरेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो घसान नदी है उसमें लहचुरा डैम के ऊपर वाले डैम से पानी छोड़ा था, तो पानी का लेवल नदी में बढ़ने के कारण जो हमारे लगा हुआ गाँव है उनके कुछ खेतों में पानी घुसने की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने अपने SDM को बोला है कि वो अगर फसलों की नुकसानी हुई अपने खुद के खेत हैं तो उनका सर्वे करा लें। साथ में जो महोबा कलेक्टर है उनसे हमने निवेदन किया कि एक तो ये आपने बिना सूचना के पानी छोड़ा इरीगेशन वालों को, उनको आप ताकीद करें, दूसरा पानी का लेवल जो है नदी में वो कम करें। अब किसान सरकार से नुकसान का पूरा मुआवजा मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर नुकसान का मुआवजा जल्द नहीं मिला तो उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम हैं उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवा वाशिंग पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन और मंगलमय रहे, आप सभी लोग बहुत तरक्की करें। पर किचन की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें BRTS कॉरिडोर की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। जयवर्धन सिंह ने संत हिरदाराम नगर में व्यापारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही।
संत हिरदाराम नगर में पिछले कई वर्षों से व्यापारी वीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर मांग कर रहे हैं। इस बीच संत नगर के चंचल चौराहे पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही वीआरटीएस की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। सिंह ने कहा कि हम जनता के बीच जाकर जनता के वीआरटीएस हटाने के संबंध में राय लेंगे और इस महीने के अंत तक वीआरटीएस हटाने या नहीं हटाने की योजना जनता के बीच सामने लाई जाएगी। देखिए, हमने जब पिछली बैठक हुई थी, मैंने स्पष्ट कहा था कि 15 तारीख से, 15 जनवरी से हम वीआरटीएस की निर्णय पर हम चर्चा चालू करेंगे और आज 16 जनवरी है, हमने तुरंत चालू कर दी। जो भी फैसला होगा इस महीने के अंत तक हम करेंगे। जयवर्धन सिंह ने साफ किया कि मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट निरस्त नहीं हुआ है, हम मेट्रो ट्रेन के साथ मोनोरेल भी चलाने पर विचार कर रहे हैं। वीआरटीएस के अलावा जयवर्धन सिंह ने मर्जर और पट्टा समस्या का भी जल्द निराकरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मर्जर खत्म करने में आ रही कमियों को दूर किया जाएगा और जल्द ही इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बुधवार को होशंगाबाद जिले का दौरा किया। मां नर्मदा के सेठानी घाट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वचन पत्र के अनुसार मां नर्मदा पद को जल्द ही पूरा बनवाया जाएगा। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने बुधवार को होशंगाबाद का पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेठानी घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। पीसी शर्मा ने कहा कि 22 फरवरी से किसानों के खातों में कर्ज माफी का पैसा डाल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वचन पत्र में शामिल नर्मदा परिक्रमा पथ को जल्द ही पूरा बनवाएंगे, परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए व्यवस्था करेंगे, राम गमन पथ भी बनाएंगे, प्रत्येक बेरोजगार को 4,000 का भत्ता दिया जाएगा, रोजगार खेती पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे, पहली सरकार की तीर्थ दर्शन योजना जारी रहेगी, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। 22 फरवरी से किसानों के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। वचन पत्र में एक चीज और अहम दी है जो नर्मदा जी से संबंधित है कि मां नर्मदा का जो पथ है, नर्मदा परिक्रमा का पथ, ये भी शासन इसको पूरा बनाएगा, चिन्हित करेगा जगह जगह और जिस और उनके रुकने की जगह जगह पे व्यवस्था के लिए एक पूरा वचन पत्र में दिया है, उसको भी कमलनाथ जी की सरकार इन आगे आने वाले सालों में पूरा करेगी। बीजेपी द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल पर जवाब देते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि खरीद फरोख्त तो यह लोग नहीं कर पाएंगे। सरकारी भवनों में लग रही संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने बात को टालते हुए गोलमाल जवाब दिया। नहीं, अब ये सब जो भी चीजें हैं, मैंने कहा ना वचन पत्र उसको पूरा करेंगे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग ये कर नहीं पाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ के जितने भी विधायक 121 जो आज कांग्रेस के साथ हैं, इनने 4 बार सिद्ध कर दिया। नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी के चुनाव में हम लोग 121 थे, उसके बाद हिना कांवरे जी के उपाध्यक्ष चुनाव में, फिर बजट पर जो वोटिंग हुई अनुपूरक बजट पे, उस पर ये भाग गए। स्कूल में शराब पीकर पहुंचना शिक्षक को महंगा पड़ गया। शिक्षक पर गाज तब गिरी जब जांच में पहुंचे समन्वयक ने छोटे छोटे बच्चों से ही मास्टर साहब की पिटाई करवा दी। यह पूरा मामला जगदलपुर के दरभा ब्लॉक के दुकारूपारा स्कूल का है, जहां स्कूल समन्वयक सत्यनारायण सोनवानी औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। ये छोटे छोटे बच्चे जिसे पीट रहे हैं, डंडों से सबक सिखा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों के मास्टर साहब हैं। शराब पीकर स्कूल में आना इस मास्टर को महंगा पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला जगदलपुर के दरभा ब्लॉक के दुकारूपारा स्कूल का है, जहां लगभग हमेशा की तरह शिक्षक खेम सिंह कंवर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे और वहीं सो गए। इस दौरान बच्चों ने उन्हें उठाने की कोशिश भी की पर वे नहीं उठे। मास्टर को डर भी किसी का नहीं। आदतन ऐसे इलाकों में अधिकारी भी जांच करने कहां पहुंचते हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षक व कर्मचारी प्रायः मनमानी किया करते हैं, मगर इस बार शिक्षक की किस्मत खराब निकली और स्कूल समन्वयक सत्यनारायण सोनवानी औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। फिर क्या था, नशे में धुत शिक्षक को सबक सिखाने पहले तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में छड़ी थमाई और नशेड़ी शिक्षक की पिटाई करवाना शुरू करवा दी। इस मामले की जानकारी दरभा तहसीलदार मनहरण राठिया को दी गई, जिसके बाद तहसीलदार ने शिक्षक का मेडिकल करवाकर उस पर कार्यवाही की।
इस पूरी घटना से जाहिर होता है कि बच्चों का भविष्य किन हाथों में है। वहीं पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या समन्वयक द्वारा बच्चों से शिक्षक की पिटाई करवाना जायज है, और इस मामले में शिक्षक के अलावा उनके अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। जानवरों की खाल की तस्करी करने वाले लोगों को अचान कमार टाइगर रिजर्व की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। इन लोगों से और भी मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। अचान कमार टाइगर रिजर्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी लोरमी व कवर्धा इलाके के ही रहने वाले हैं। मुखबिर के जरिए तस्करों के संबंध में सूचना मिलने के बाद तस्करों को पंडरिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये 15/1/2019 की घटना है, गाँव खुड़िया, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली की ओर से पीछा करते हुए गाँव भोयटोला सनक पार्ट के बीच में वन परिक्षेत्र अधिकारी एंटिक कोचिंग यूनिट श्री संदीप सिंह अचानक कुमार टाइगर रिजर्व द्वारा मौके पर चार अपराधियों से तेंदुआ खाल बरामद की गई है। ये जो क्षेत्र है, चूँकि पूर्व पंडरिया जो हमारा कवर्धा वनमंडल का एक रेंज है उसके अंतर्गत आता है, तो इसको परिक्षेत्र सहायक कोदवा के सुपुर्द में इस केस को दिया गया है, जिसका उन्होंने वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13761/19/15/1/2019 को दर्ज किया है। अपराध में जो संलिप्त अपराधी हैं उनको माननीय न्यायालय पंडरिया में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाना है। एटीआर के प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर संदीप बालगा ने रेंजर संदीप सिंह के साथ छापेमारी कर इन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम रामप्रसाद मनहरण, रामलाल बैगा, रामचरण सोनी हैं। जीआरपी ने आदतन अपराधी आमिर को धर दबोचा है। आमिर ट्रेन में चोरी किया करता था, पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। भोपाल जीआरपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत चैन स्नैचर को धर दबोचा है। यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक रेलवे भोपाल मनीष कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेलवे भोपाल नीतू डाबर के अगुवाई में किया गया। दिव्या शर्मा नामक महिला ने जीआरपी में शिकायत की थी कि ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने भोपाल स्टेशन में आकर उनका पर्स चोरी कर लिया है। पर्स में सोने की चेन और कुछ पैसे थे। इस मामले में पुलिस ने आमिर पिता कमर खान को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार की है। आमिर आरिफ नगर भोपाल का निवासी बताया जा रहा है और इसके खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं। और अभी वो मोबाइल हम अपने मुझे उम्मीद है कि ये जो मोबाइल जब्त हुए हैं इससे पहले कुछ खर्च से पता चलेंगे कि जिन मोबाइल में घटना कब कब और कहाँ। बस्तर में एक वहशी दरिंदे ने 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जेल में सिपाही है। बस्तर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक वहशी दरिंदे ने 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की। परिजनों के रिपोर्ट के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चंद्रशेखर रत्नाकर केंद्रीय जेल में प्रहरी का काम करता है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली के थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि आरोपी ने कुछ रोज पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की मासूम बच्ची को घुमाने ले जाने के बहाने उसके निजी अंगों से छेड़छाड़ की। आज प्रार्थिया द्वारा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपी चंद्रशेखर रत्नाकर जो है करीबन एक महीने पहले उनकी 2.5 साल की बच्ची को खिलाने के लिए घर लेके गया था और उसके साथ में उसने गलत हरकत की। बच्ची ने आकर अपने घर में बताया तो उनकी मदर जाकर आरोपी से पूछताछ कर रही थी कि भई आपने बच्ची के साथ में क्या किया, तो आरोपी द्वारा जो है उनकी मदर के ऊपर ही बुरी नज़र रखते हुए उनके हाथ पांव को पकड़कर उनके साथ में छेड़छाड़ की। और प्रार्थिया ने यह भी बताया है कि उसके बाद 2-3 बार और आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी की हरकत की और यह बात किसी को बताने पर उनको और बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर
अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपी को हिरासत में लिया गया है जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी से जब इस बारे में बात की तो उसने पीड़िता की मां से भी छेड़छाड़ करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के परिजनों ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। इससे पहले कि आरोपी फरार हो पाता, पुलिस ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 4 और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।